तो मैं उत्तर प्रदेश के उन गद्दारों को कहना चाहूंगा जो ये चाहते हैं कि फिर से योगी जी मुख्यमंत्री ना बने, पर मुझसे नहीं बोल रहे, नमस्कार स्वीकार नहीं कर रहे। ये कहां का न्याय है? अगर आपको इतना ही खराब लगता था तो आप पहले कह देते कि हम तुम्हारा गल्ला नहीं खाएंगे। गंडा पसार लाज जूता बनाई पैसा कौड़ी दारू घर दूध निकलने के लिए क्यों करेंगे। मिश्रा और आप देख रहे हैं प्रज्ञा का पन्ना। दोस्तों, बीजेपी की हालत तीसरे चरण में भी खराब है और इस खराबी का अंदाजा लगाने के लिए इटावा से बीजेपी विधायक और प्रत्याशी सरिता भदौरिया को सुनिए। कहती हैं, लोग गल्ला खा गए, रुपए खा गए, नमक खा गए, पैसा खा गए और जब वोट देने की बारी आई है तो मुंह से बोलने तक नहीं आते हैं। जब वो वोट मांगने जाती हैं तो लोग नमस्कार तक नहीं करते हैं। पहले सरिता जी को सुन लीजिए, फिर आगे बताते हैं। आज हम वोट मांगने जाते हैं, हम कहते हैं कि दीदी वोट देना, तो मुंह से नहीं बोल रहे, गल्ला खा गए, रुपया खा गए, पैसा खा गए, नमक खा गए और मुंह से नहीं बोल रहे, नमस्कार स्वीकार नहीं कर रहे। ये कहां का न्याय है? अगर आपको इतना ही खराब लगता था तो आप पहले कह देते कि हम तुम्हारा गल्ला नहीं खाएंगे। ये तो ईमानदारी नहीं हुई ना। सब कुछ ले लिया, रुपया हमें मिले, गल्ला हमें मिले, सुविधाएं हमें मिले, आवास हमें मिले, लेकिन जब हम वोट देने जाएंगे तो हमें ना राष्ट्रवाद दिखेगा ना। बीजेपी से विधायक सरिता जी गल्ला, नमक, राशन, किसानों को पैसे वगैरह वोट खरीदने के लिए नहीं दिया जा रहा है, ना ही लोगों को बंधुआ बनाने के लिए दिया जा रहा है। पहले तो आप इसको समझ लीजिए, राशन पहले भी मिलता था और 5 किलो राशन और बढ़ाया गया है क्योंकि कोरोना में सरकारी नौसिखियापने का शिकार जनता हुई है, तो ये मदद सरकार का फर्ज है, कोई एहसान नहीं है। इस बात को पहले आप समझ लीजिए, गांठ बांध लीजिए, फिर वोट मांगने जाइएगा और अपने काम गिनाइएगा अगर किए हो तो जनता भी आपसे बात करेगी और नमस्कार भी करेगी। राशन, गल्ला, नमक, चावल की धौंस दिखाएंगी तो पक्का हार जाएंगी। वैसे आपकी सीट पर होकर आई हूं, आपका माहौल बहुत डाउन है, आपसे बेहतर लोग बसपा को बता रहे हैं। खैर, अगली बानगी इटावा से दूर प्रयागराज से आई है। बीजेपी के ये बुढ़ऊ बाबा मांग नहीं रहे हैं, छीनने की योजना बना रहे हैं। ये भाई साहब दंगा फसाद, दारू, पैसा, गांजा सब कुछ करने को तैयार है। पहले इनको सुनिए, फिर आगे बताएंगे। कुछ बूथ कुछ धरने में जो भी करना पड़ेगा वो आप कर करिएगा। गंडा फसाद लाज जूता बनाई पैसा कौड़ी दारू घर दूध निकलने के लिए क्यों करेंगे, हम सब काम करेंगे। बीजेपी वाले ये दादा प्रयागराज के मेजा में पूर्व विधायक राम सेवक पटेल है, भाजपा प्रत्याशी नीलम करवरिया का प्रचार कर रहे हैं। दंगा फसाद लात जूता पैसा कौड़ी दारू गांजा मारपीट जैसे युद्ध कौशल से चुनाव जीतने के लिए अपनी सेना में जोश भर रहे हैं। चाल, चरित्र और चेहरा तीनों के अगर आपने आज तक दुर्लभ दर्शन नहीं किए हैं तो कर लीजिए। दोस्तों, चुनाव में कुछ नेता रिदिया रहे हैं, कुछ गरिया रहे हैं, कुछ धमकिया रहे हैं, ये धमकी भी सुन लीजिए, डरिए फिर वोट करिए। तो उत्तर प्रदेश के मेरे हिंदू भाई बंधुओं से निवेदन है कि अभी दूसरा फेज भी आने वाला है, फर्स्ट सेकंड तो हो गया, तीसरा फेज भी आने वाला है, बाहर निकलो वोट करो। और जो लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करते उनको मैं कहना चाहूंगा कि योगी जी ने हजारों की संख्या में जेसीपी बुलडोजर मंगवा लिए है, उत्तर प्रदेश की ओर निकल चुके हैं। इलेक्शन के बाद में जो जो लोग योगी जी को सपोर्ट नहीं करें उन सभी एरियाज को आइडेंटिफाई किया जाएगा। और पता है ना जेसीपी और बुलडोजर किसके लिए यूज में आते हैं? तो मैं उत्तर प्रदेश के उन गद्दारों को कहना चाहूंगा जो ये चाहते हैं कि फिर से योगी जी मुख्यमंत्री ना बने, तो बेटा अगर उत्तर प्रदेश में रहना हो तो योगी योगी कहना होगा। ये धमकी तेलंगाना से आई है, धमकी दे रहे हैं तो भाई बीजेपी से नाता तो होगा ही, रिश्ते में ये बीजेपी के विधायक लगते हैं, इनका नाम टी राजा है। जो लोग बीजेपी को वोट नहीं करते हैं उनके लिए योगी जी ने हजारों की तादाद में बुलडोजर मंगा लिया है। कहने का मतलब है कि जो लोग बीजेपी को वोट नहीं देंगे उन पर बुलडोजर चलाया जाएगा। सुनकर डर लगा कि नहीं, कमेंट में बताइएगा। वैसे जिस धमकी को सुनकर डर ना लगे वो धमकी नहीं, जुमला बन जाती है, इसीलिए कमेंट में डरिएगा
और बीजेपी को वोट करिएगा। घर गिरने से बचाना है तो बीजेपी को जिताना है। हिंदू भाइयों से मुस्लिमों को डराकर वोट मांगने के बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं के दर्जनों वीडियो आ रहे हैं। सब दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए आप वोट सोच समझ कर दीजिएगा। जो प्रत्याशी आपकी कसौटी पर खड़ा उतरे उसे वोट दीजिएगा, क्योंकि आपका एक वोट आपका भविष्य तय करेगा। आज के लिए इतना ही, चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। मुझे ट्विटर पर @PragyaLive नाम से खोजकर फॉलो जरूर कीजिएगा। साथ आएंगे तो सच और मजबूत हो जाएगा। दोस्तों यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फेसबुक पर फॉलो वाला बटन जरूर दबाइएगा, और नमस्कार, जय हिंद।